कि भौजी एक कड़ाही रखी है कन कन पानी गे, हमर भौजी रानी गे ना। हमारे मीडिया के प्रभारी सौरभ जी, सोनू जी, मैं सभी आदमी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक पुरानी कहावत है अभी नहीं तो कभी। ये समय हम लोगों के बीच में चलाया है, एक बनाम सात। अगर हम एक हैं तो घर सात है। अगर हम सभी आदमी एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो आज 20 वर्ष से जो होते आया है वो इस पंचायत में होते रहेगा। जब हम चुनाव लड़े थे 78 में, 22 वर्ष के बाद चुनाव हुआ था 2001 में, और 2001 से अभी तक 5 हमारे सामान्य क्षेत्र रहा, 10 वर्ष अनुसूचित क्षेत्र रहा, आज फिर हमारा एक बीच में फिर सामान्य रहा और अभी भी सामान्य है। हम अपने मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ये दो रोज, कल परसों भी कहा गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। हमारे मतदाता बंधुओं, ये दो दिन ये परीक्षा का घड़ी है मतदाताओं के लिए। ऐसे ऐसे उम्मीदवार आपको इस पंचायत में मिलेंगे या सभी आदमी हम देख भी रहे हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सभी आदमी दो रोज अपने अपने मतदान को सुरक्षित रखकर 20 तारीख के रोज सवेर से सवेर 5 नंबर पर सीमा पाठक जी को पूल छाप पर बटन दबाकर विजयी, भारी मतों से विजयी बना लें। आने वाला समय वो जो 20 वर्ष रह चुका है सीधा उल्टा परिणाम उल्टा दिखाई देगा और अच्छा दिखाएगा, कारण कि आप लोगों का जो ये कार्यक्रम चल रहा है लगभग 1 तारीख से, 1 रोज बाद, 2 रोज बाद ये हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है, ये शायद किसी पंचायत में, हमारे प्रखंड में 29 पंचायत है, किसी पंचायत में ये कार्यक्रम नहीं चलता होगा जो अभी हम लोगों के बीच में चल रहा है। सभी मतदाताओं को बुलाकर सहमति लेकर और हमारा आगे का पैगाम होगा, ये कार्यक्रम हमारे प्रखंड में 229 पंचायत में कहीं नहीं चल रहा है। इसलिए आने वाला समय जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर किसी तरह का अगर दिक्कत भी होगा तो उस दिक्कत के लिए हम लोग उस दिक्कत को समाधान करने के लिए सीमा पाठक ही नहीं रहेंगे, वीरेंद्र पाठक ही नहीं रहेंगे, हम जितने सभी अभी मतदाता हैं हम सभी ऐसे ही बैठ करके कोई निर्णय लेंगे, कोई काम करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये दो रोज सभी आदमी अपने अपने जगह पर अपने अपने जहाँ है वहाँ रहकर अपने मतदान को रखेंगे समेट कर, और 20 तारीख को 8 बजे सवेर में जाकर 5 नंबर पर पुल छाप पर सीमा पाठक जी को बटन दबाकर विजय बनावे, यही हमारा आग्रह और अपील भी है। मैं इतना कहकर, बहुत समय भी हुआ, हमारे कुछ गेस्ट भी हैं, समय भी कुछ ज्यादा हो गया, बाद बाकी अब संचालन करता अपना बताएंगे कहेंगे, मैं यही कर अपना। गदगद कंठ स्वयं सुनता है जो कुछ है वह कह जाता की अवस्था में, खुशियों से भरे कंठ से मैं क्या कहूँ, आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लगता है एक नया इतिहास आप लोग रचेंगे, एक ऐसा समाज, एक ऐसा पंचायत बनाएंगे जिसका नाम जिले में, जिले से बाहर राज्य में और हो सकता है देश में भी नाम उसका रोशन हो। कहते हैं गहन सघन मनमोहक बनकर मुझको आज बुलाते हैं, 20 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ,
2001 में हम लोगों ने सोचा था कि पंचायत का नेतृत्व कर कुछ बड़े काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, हो नहीं पाया। फिर भी विधान संगठन मनमोहक बनकरों मुझको आज बुलाते हैं, किंतु कि ये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बता, मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मुझको मिलो भाई, मिलो मुझको चलना है, बहुत काम करना है। संस्कृत में एक श्लोक है, आस्ते भग आसिनस्य ऊर्ध्वः तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः चरैवेति चरैवेति। कहते हैं जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो सोया रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है, जो खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, और जो चल पड़ता है उसका भाग्य भी चल पड़ता है। 20 तारीख की सुबह जब आप मतदान करने चलेंगे तो हमारी किस्मत, हम सबकी किस्मत चल पड़ेगी, हमारा भाग्योदय होगा। हम एक ऐसे समाज और पंचायत की रचना करेंगे जिसका नाम लेकर लोग धन्य होंगे। ये कोई सपना नहीं है, सपने तब साकार होते हैं जब हम काम करते हैं। कौन कहता है विकास हो नहीं सकता, कौन कहता है विकास हो नहीं सकता। एक बार सीमा पाठक जी को मुखिया तो बनाइए, जरूर विकास 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 होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। सपने जरूर होंगे साकार, आप हैं साथ, इस पंचायत का विकास बेशुमार होगा, बेशुमार होगा। हिम्मत से काम लेना है, 20 तारीख को पहुंचना है, प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहेगी, कहीं हौसला खोना नहीं है। कहते हैं अगर घटे तो मुस्ते खाक है इंसान, अगर बढ़े तो मुश्कते कौन इनमें समा न सके। यानी अगर इंसान अपने आप को छोटा कर लेता है तो एक मुट्ठी राह के बराबर हो जाता है, वही अपने मन को अपने दिल को बड़ा करता है तो पूरे आकाश में भी इतनी जगह नहीं होती उसे समा सके। अगर घटे तो मुस्ते खाक है इंसान, अगर बढ़े तो मुश्कते कौन इनमें समा न सके। हम क्या चाहते हैं इस पंचायत के लिए, ये कि रहिए जब तलक इंसान की शान से, इंसान बन के, इंसान के साथ, इंसानियत के साथ रहिए जब तलक इंसान की शान से, वरना कपट उठाइए उठिए जहां से, इसी शायर ने कहा है। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो वोट है, ये जो मतदान है, इस देश में प्रजातांत्रिक देश में जो मतदान देने की व्यवस्था की गई है, सबको अधिकार मिला है एक मत देने का, और उस एक मत की कीमत हजारों लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, जो हमारे पंचायत का मतदाता नहीं है, वो वोट डाल ही नहीं सकता। जो हमारे पंचायत के मतदाता है वही वोट डालेंगे, वही अपना नेता चुनेंगे, वही मुखिया चुनेंगे। मुखिया मतलब सुखिया, अगर सही काम करे तो सुखिया और सही काम नहीं करे तो दुखिया। इसलिए सुखिया की तलाश में हम लोग 20 तारीख को चलेंगे, फूल छाप कर मोहर लगाएंगे। सौभाग्य की बात है आप सब आए हैं, ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट, वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानव विराट। आप इतने बड़े हैं, आप मतदाता हैं, आप इतने बड़े हैं कि आपकी गर्दन तक हमारे हाथ पहुंच ही नहीं रहे, और हम तो बिल्कुल छोटे हैं, वहां तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट, वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानव विराट। एक बार हुआ कुछ लोगों ने सवाल किया था, स्वर्ग